इस वीडियो में हम लोग क्लासिक संस्कृत का चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है सरल पद परिचय। चैप्टर का वीडियो पहले ही बना चुके हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिए हैं, वहाँ से जाकर वीडियो को देख सकते हैं, या फिर आप सीधे प्लेलिस्ट जाकर उन सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मौखिका। मौखिका यानी मुँह से बोलकर। तो पहला क्या है, उच्चारण करें। तो यहाँ पर बस उच्चारण करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ, यहाँ पर शब्द दिया हुआ, ठीक है, और इसके बगल में इसका संस्कृत रूप दिया हुआ, संस्कृत रूप, ठीक है। तो देखिए कंबल का संस्कृत रूप होता है कंबलम, कबूतर का होता है कपोतः, आम का होता है आम्रम, लीची का लिचिका, कछुआ का कच्छपा, ठीक है, कछुआ का कच्छपा। तो ये सब आप संस्कृत शब्द याद कर लीजिएगा। दूसरा है इनका संस्कृत रूप बताएं, ठीक है, संस्कृत रूप किसका, घड़ा तालाब लाल अमरूद और गर्म का। तो देखिए घड़ा का होता है संस्कृत रूप घट, तालाब का होता है तड़ाग, लाल का होता है रक्तम, अमरूद का अमृत फलम, गर्म का उष्णम। तो आप ये सब याद कर लीजिएगा। तीसरा में लिखा हुआ निम्न शब्दों का वर्ण विच्छेद करें, ठीक है, यानी जो शब्द दिया गया है ना नीचे उसको तोड़ना है। किस में तोड़ना है, वर्णों में तोड़ना है, वर्ण को और तोड़ नहीं सकते, ठीक है। जैसा यहाँ पर एक बताया गया तो एक को समझना है और बाकी इसी तरह बनाना है। तो देखिए पहला समझते हैं, नरह लिखा हुआ, इसमें जो न है ना उसको तोड़ करके क्या बना, न हलंत प्लस अ बना। न हलंत का मतलब क्या होता है, आधा न होता है। जैसे न का उच्चारण कीजिए न, तो अंत में क्या आता है, अ आता है। तो न को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, आधा न बनेगा, यानी न हलंत बनेगा और प्लस अ बनेगा। उसके बाद क्या रह है, तो रह को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, र हलंत, यानी र आधा र बनेगा और अह बनेगा, ठीक है, वही यहाँ पर लिखे हैं। तो देखिए न को तोड़े तो क्या बना, न हलंत प्लस अ बना, और रह को तोड़े तो आधा र प्लस अह बना, ठीक है, इसी तरह बाकी भी बनाना है। तो देखिए ई लिखा हुआ, ठीक है, हसर भी यानी छोटी, तो ई को और नहीं तोड़ सकते, तो ई को ई रहने देंगे, प्लस पूरा द है तो इसको आधा द, ठीक है, यानी द हलंत में तोड़े और अ में तोड़े। उसके बाद है क्या, आधा म, तो आधा म को और नहीं तोड़ सकते हैं, तो जैसे जैसे लिख दिए, ठीक है। अगला है नेत्रम, तो नी को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, न प्लस ए बनेगा, ठीक है। अत्र को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, आधा त आधा र और अ बनेगा त्र, और अंत में क्या आधा म है, तो आधा म को और नहीं तोड़ सकते हैं, तो जैसे है जैसे लिख देंगे। तो नेत्रम को तोड़ दिए, ठीक है ना, नेत्रम को तोड़ करके वर्णों में लिख दिए। आगे है गजहा, गजहा यानी क्या, हाथी, ठीक है, इदम मिस होता है यह, गजहा मिस होता है हाथी, तो ग को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, आधा ग, यानी ग हलंत प्लस अ बनेगा। उसके बाद क्या अंत में जह, तो ज को तोड़ेंगे तो आधा ज प्लस अह बनेगा, ठीक है, इस प्रकार से वर्ण में तोड़ दिए। अगला है अश्व, तो अश्व को कैसे लिखते हैं, अ आधा स और वह, ठीक है, अश्व। यहाँ पर पहला क्या अ लिखा हुआ, तो अ को तोड़ नहीं सकते हैं, तो जैसे जैसे रहने देंगे। उसके बाद क्या है, आधा स है ना, आधा स लिखा हुआ, तो पूरा स लिखिए और हलंत लगाइए तो आधा स बन जाएगा। और वह है, तो वह को क्या क्या करेंगे, आधा व और अह में क्या करेंगे, तोड़ देंगे। तो अश्व को क्या किए, वर्ण विच्छेद कर दिए। आगे है पुष्पम, ठीक है, अश्व मिस क्या होता है, घोड़ा होता है, पुष्पम मिस होता है फूल, तो पुष्पम को तोड़ के दिखाते हैं। पू लिखा हुआ, तो उसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, आधा प और उ बनेगा, ठीक है। उसके बाद आधा स लिखा हुआ, तो स लिखे और हलंत लगा दिए, यानी आधा स हो गया, तो आधा स को तोड़ नहीं सकते हैं, तो क्या किए, पूरा स लिख के आधा, पूरा स लिख के क्या किया, हलंत लगा दिए। उसके बाद क्या प है, तो आधा प और अ, ठीक है, पूरा प को तोड़े तो आधा प और अ मिला। उसके बाद क्या आधा म है, ठीक है, आधा म को तोड़ नहीं सकते हैं, तो जैसे जैसे लिख दिए, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। तो वही यहाँ पर जो आंसर अभी बताया ना, वही यहाँ पर लिखा हुआ, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता नहीं, कमेंट में एक लिंक दे दिए, उस पर क्लिक कीजिएगा तो
ठीक है ना, ये सारा आ जाएगा, तो आराम से कॉपी में लिख लीजिएगा। तो आगे क्या, आगे ये दिया हुआ अश्व और पुष्प, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे लिखिता। फोर में लिखा हुआ उपयुक्त शब्दों को मिलाकर वाक्य की रचना करें, उपयुक्त शब्दों, ठीक है। तो यहाँ पर वाक्य का आधा भाग दिया हुआ और यहाँ पर वाक्य का आधा भाग दिया हुआ, तो हमें मिलाना और सही वाक्य बनाना है। तो देखिए, इसको समझने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा, लट लकार हमें समझना पड़ेगा। वर्तमान काल, देखिए अंत में क्या लगा हुआ, तह लगा हुआ, अंत में ती लगा हुआ, किस में लगा हुआ, क्रिया के मूल रूप में लगा हुआ, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। तो धातु में ती त अंति लगा हुआ, यहाँ पर देखिए अंति लगा हुआ, यहाँ पर आमा लगा हुआ, तो ये क्या होता है, ती त अंति, ये सब होता क्या है, चलिए इसको पहले समझ लेते हैं, तो मैचिंग बनाने में ना आपको आसानी होगा।